पिछले क्लास में जो दिया था दोस्त हो गया है। अब यहाँ पे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग मीनिंग चलते हैं, थोड़ा सा ये शायद कट रहा होगा तो उसको हम लोग कहीं पे मिटा के एडजस्ट कर लेंगे। देखो एक होता है एंटिक्स। देखो हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं लगभग हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब लेटर चेंज होगा, उसके मीनिंग चेंज हो जाएगा। हो सकता है जिसका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण सेम हो। एक होता है एंटिक्स। एंटिक्स मतलब होता है हंसाने के लिए कोई की गई हरकत, ऐसा काम होता है ना जो लोग मतलब करते हैं, देखो कॉमेडी टाइप का, उस काम को आप कहते हो एंटिक्स होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और इसी को कहते हैं ट्रिक्स, को करता है कि नहीं करता। जैसे मालूम चला कोई हंसाने के लिए कोई काम करता है, ट्रिक्स व्रिक्स खेलता है, उसको कहोगे एंटिक्स। एंटिक्स मतलब हंसाने के लिए कोई काम किया गया हो, आपको फनी टाइप महसूस कराया जाए, ऐसे के लिए क्या कहोगे एंटिक्स हुआ है। समझ पा रहे। मैं कहूँ दिस एंटिक्स वॉज गुड, मतलब यह एंटिक्स भाई अच्छा था। समझ पा रहे, हंसाने के लिए कार्य किया गया वो अच्छा था। एक होता है एंटिक्स। देखो प्रोनंसिएशन लगभग सेम आता है लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसमें क्यू लिखा हुआ है, देखोगे एंटिक्स लिखा क्यू यू ई एस वाला केस है, ठीक है ना। इसका सिंगुलर सिर्फ एस हटा दो, खत्म। समझ पा रहे। और प्राचीन काल जो कला होता है, प्राचीन कला उसकी वस्तुएँ जो होती है उसको कहते हैं एंटिक्स या एंशियंट पीसेज ऑफ आर्ट्स। मतलब जो कला होती है ना वो एंशियंट टाइम का, पुराने ज़माने का, उसको कहते हो आप एंटिक्स। क्लियर है। देखो एंटिक्स ANTICS वाला क्या हो जाएगा, वो हंसाने के लिए की गई कार्य को कहते हैं। और एक होता है ANTIQUES, एंटिक्स मतलब होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। बातें समझ पा रहे। अब एक होता है प्राचीन। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब अप्रेज उस जगह पर यूज़ होगा जहाँ पर मालूम चला आप एक कलम खरीदने गए और वहाँ पे रेट वेट लिखा हुआ नहीं है, रेट मतलब कीमत लिखा हुआ नहीं है। तो प्राइस जब लिखा हुआ नहीं है, उसका रेट नहीं लिखा हुआ, तो ऑटोमेटिक जाओगे उसका मूल्यांकन आप करोगे ना कि कितना का है, उस चीज़ को कहते हैं अप्रेज। समझ पा रहे कि कहीं पे गए और आप जाने के बाद अपने हिसाब से उसकी कीमत तय करने लगे कि इतना का होगा, होता है कि नहीं। मालूम चला कार लगा हुआ सामने में और कहे कि नहीं 10 लाख का होगा, कोई कहता 5 लाख का होगा, हो सकता मोटरसाइकिल लगाओ कोई कहे नहीं 50,000 का होगा, कोई 80,000 का, इस तरह से मूल्यांकन करते हो कि नहीं करते, उसको कहते हो अप्रेज। क्लियर हो गया। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, किसी का रेट तय करना कि इतना का हो सकता है। जैसे सेकंड हैंड आप बाइक खरीदने जाओ, कार खरीदने जाओ, होता ना अपने हिसाब से कीमत लगाते हो ना कि इतना का होना चाहिए, उसको कहते हो अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है असेस। असेस का मतलब होता है वही मूल्यांकन करना है, असेस द क्वालिटी, मतलब उस क्वालिटी का, जो क्वालिटी मतलब क्या होता है, जो गुण है उसकी गुणवत्ता को दिखाना और जो वैल्यू है उसको, कीमत है उसको दिखाने के चीज़ों को आपका कहते हो अप्रेज। एक होता है अप्राइज। अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना। देखो थोड़ा सा अंतर है बस अप्राइज और अप्रेज, ठीक है ना। अप्राइज का मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना, किसी को सूचना भेजना, ठीक है ना, उसको कहते हैं अप्राइज। क्लियर है। और एक होता है देखो अल्यूजन। अल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में, संदर्भ मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस। एक होता है अल्यूजन। अल्यूजन मतलब होता है भ्रम। देखो भ्रम का मतलब सकते हो शक, डॉट, ऐसा देखा कि अफवाह जैसे देखा हो ना चलता है। एक होता है अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब संदर्भ में, किसी के पक्ष में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। वो होता है कि हाँ भाई रेफरेंस दिए थे, इनडायरेक्ट रेफरेंस चला गया कि मैं नहीं क्या, मेरे द्वारा किसी का ऐसा होता ना कि मैं वहाँ पे नहीं था लेकिन मेरे जरिए काम भी काम होता है कि नहीं होता, उस टाइप के सिस्टम को कहते हैं। क्लियर हुआ। एक होता है अल्यूजन। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि नहीं कहते, शक में रहते हैं कि भाई उसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरी ऐसी बुरी हालत है, ऐसा होता कि नहीं होता, उस सिस्टम को कहते हैं अल्यूजन। समझ पा रहे। और अल्यूजन मतलब होता है किसी के इनडायरेक्ट रेफरेंस में वो होता है सिस्टम। अब देखो एक होता है बेसाइड, एक होता है बेसाइड्स। इससे पहले भी प्रीपोजिशन में, इसके बाद भी पढ़ेंगे लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। देखो बेसाइड का मतलब भी लिखा हुआ के बगल में। समझ पा रहे हैं। और बेसाइड्स मतलब होता है के अलावा। क्लियर। बेसाइड मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ, मालूम चला आपके बाजू में आपका फ्रेंड बैठा हो तो क्या कहोगे, माय फ्रेंड इज सिटिंग, मेरा दोस्त बैठा हुआ बेसाइड मी, मेरे बाजू में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक होता है बेसाइड्स। बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। मालूम चला मेरे पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है, यानी मोबाइल भी है लैपटॉप भी है, दोनों का सेंस लेंगे तब क्या लगाओगे, बेसाइड्स लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे। आई हैव मोबाइल बेसाइड्स लैपटॉप, इसका मतलब लैपटॉप के अलावा मोबाइल भी है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जैसे हम आपको कहें कि मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है, तब क्या बनेगा, मेरे पास बाइक के अलावा जहां लग गया बाइक के अलावा, यानी बेसाइड्स बैक हो जाएगा, मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है तो क्या लगाओगे, आई हैव अ कार बेसाइड्स बाइक। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो मेरे पास कलम के अलावा कॉपी भी है तो क्या लगाओगे, मेरे पास कलम के अलावा कॉपी भी है, क्या होगा, मेरे पास कलम के अलावा, बेसाइड्स कलम तो हो जाए, बेसाइड्स पेन लिखेंगे, बेसाइड्स अ पेन, मेरे पास कलम के अलावा कॉपी भी है तब क्या बनाओगे,
हाँ, मेरे पास कलम के अलावा चलो किताबें भी हैं, ऐसा लिख लो आई हैव बुक्स हो जाएगा, मेरे पास किताबें भी, आई हैव बुक्स बेसाइड्स पेंस, समझ पा रहे, कलम के अलावा किताबें भी। अब देखो एक होता है, चलो ये दोनों में तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, इसके अलावा भी एक होता है, देखो ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है लगाम, जो आपने देखा होगा घोड़े को लगाया जाता है स्टॉप करने के लिए, होता ना, समझोगे एक तरह से गियर वाला काम करता वो, है ना, एक तरफ टान दिया तो चलने लगा, रोका टान दिया तो रोकने लगा, तो ऑटोमेटिक वो सेंस काम करता है, उसको कहते हैं ब्राइडल लगाम। हेड गियर ऑफ हॉर्स, हेड गियर समझते हो, जो सर पे देखोगे लगा होता, वहाँ से टानते हो तो स्टॉप होता चलता हो, उसको कहते हैं ब्राइडल। एक और होता है ब्राइडल, देखो स्पेलिंग का चेंजेस है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम आता है, और दुल्हा दुल्हन से संबंधित होता है, ब्राइडल से संबंधित, रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइड ग्रुप। देखो एक बात बता दूँ, ब्राइड तो हर जगह पर मतलब समझोगे, ब्राइड मतलब क्या समझोगे, दुल्हन। एक होता है ग्रूम, ग्रूम का मतलब समझोगे दुल्हा। देखो एक ब्राइड ग्रूम का मतलब भी दुल्हा होता है, और कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिख देता है सिर्फ ग्रूम, तो भी समझ जाना दुल्हा की बात है। अगर मैं यहाँ से ब्राइड हटा दूँ, सिर्फ ग्रूम लिख दूँ, तो समझ जाना दुल्हा की बात है, क्लियर है। अब ब्राइड ग्रूम भी लिखें तो समझ जाना एक साथ लिखा हुआ, तो दुल्हा की बात है। अगर सिर्फ ब्राइड लिखा हुआ तो समझ जाना दुल्हन की बात है। समझ पा रहे कि नहीं पड़े, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कहीं जगह पे सिर्फ ग्रूम लिख के छोड़ देता है, योर ग्रूम इज़ वेरी हैंडसम, इसका मतलब आपका दुल्हा बहुत सुंदर, मतलब वही सुंदर की बात हो जाएगी, योर ब्राइड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आपकी दुल्हन बहुत खूबसूरत है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, हाँ योर ब्राइड ग्रूम भी कह सकते हैं, योर ग्रूम बात बराबर है, शॉर्ट फॉर्म में जैसे आप मैथ्स कह देते हो और कहीं कहीं पर मैथमेटिक्स कह दे, बात बराबर ही है, अंडरस्टैंडेबल है, वही बात यहाँ भी है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे जो ब्राइडल, ब्राइडल मतलब देखोगे मैं कहूँ ब्राइडल शॉप, ठीक है ना, इसका मतलब क्या समझोगे, दुल्हा दुल्हन का दुकान है ये बात, जब जाओगे तो वहाँ दुल्हा दुल्हन के रिलेटेड सब कुछ मिलता है। समझ पा रहे, दूल्हे राजा वाला केस आपने देखा भी होगा, उसे वो कहते हैं ब्राइडल से संबंधित, मतलब दुल्हा दुल्हन से संबंधित। अब देखो एक होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक, जिसको आप यूजफुल कहते हो, आपके लिए लाभ का काम करता हो, उसको क्या कहोगे, बेनिफिशियल। मालूम चला आपको मैं एक किताबें दूँ, कहूँ कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, बेनिफिशियल के साथ प्रिपोजिशन फुल लगेगा, आगे चल के पढ़ेंगे प्रिपोजिशन भी, तो बेनिफिशियल का मतलब क्या समझोगे, लाभदायक, जो आपके लिए मतलब क्या हो, लाभदायक हो, ज़रूरी हो, उसको कहेंगे बेनिफिशियल। जैसे मैं कहूँ यह किताब आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तो दिस बुक इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। समझ पा रहे, ये मेरे पापा के लिए लाभदायक है, तो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर माई फादर। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अब इसी तरह आता है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभान्वित व्यक्ति, जिसको मतलब लाभ मिलता हो, ठीक है ना, लाभान्वित व्यक्ति जिसको कहते होगे, ठीक है ना, जिसको मतलब फ़ायदा मिलता हो उसको कहते हो। समझ पा रहे, जैसे मालूम चला आपको अकाउंट लिया जाए और कहा जाए कि बस सरकार ले ली है सबसे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और सबके अकाउंट में 1,000 रुपये आएगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो वहाँ पे क्या लिखेगा, बेनिफिशियरी अकाउंट, इसके मतलब जो लाभ लेने वाले हैं, लाभान्वित व्यक्ति जो हैं उनको क्या कहोगे आप, बेनिफिशियरी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वहाँ पे देखो बेनिफिशियरी अकाउंट लिख के आएगा, इसका मतलब जो लाभ लेने वाले हैं उनका अकाउंट है, वन हु रिसीव्स बेनिफिट, जिनको मतलब लाभ मिलता हो उसको क्या कहोगे, बेनिफिशियरी। समझ पा रहे, एक और होता है जिसका मतलब होता है बोर, बोर मतलब होता है श्योर, अपिक जिसको कहते हैं, ठीक है ना, और एक होता है बोर BOR E, चलो यहाँ पे शायद कट रहा होगा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, चलो अच्छा समझ जाना, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक बियर होता है, बियर का दो मतलब होता है, ठीक है ना, बियर का दो मतलब होता है, एक होता है जन्म देना, ठीक है ना, जन्म देना, कट रहा, चलो ठीक है, तो मैं कहाँ पे इसको काट दूँ, लगा लूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ ना, यहाँ पे अच्छा इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दूँ है ना, यहाँ से हटा दूँ, अब तो चलेगा, ठीक है ना, यहाँ तो पढ़ना ही है, इसको हटा दे, चलो यहाँ से मुझे पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया, बोर का मतलब क्या समझोगे, श्योर अपिक कहेंगे, लेकिन ये BOR बोर कहाँ से आया देख लेना। बियर का दो मतलब होता है, ठीक है ना, ठीक है, नॉन के केस में लेते हैं तो वो अल्कोहल टाइप का चला जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ब के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही वर्ड का कई मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बियर देखो एक होता है पैदा करना भी, पैदा करना, ठीक है, और एक होता है बर्दाश्त करना, एक होता है क्या, बर्दाश्त करना,
ठीक है ना, दोनों मतलब होता है। लेकिन जब इसका सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म वर्ब दोनों का सेम होता है, क्या होता है, बी ओ आर ई बोर भी होता है और बी ओ आर ई बोर भी होता है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म वर्ब है, बियर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब बोर, बोर रह गया, लेकिन जो थर्ड फॉर्म वर्ब वो चेंजेस जाके करता है। जैसे बर्दाश्त करना है तो थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे बी ओ आर एनी लिख देंगे, समझ इसका थर्ड फॉर्म, जबकि बी ओ आर एन सिर्फ लिख देंगे तब समझ जाएंगे पैदा करने की बात। जैसे मेरा जन्म हुआ, कोई अपने आप तो पैदा होता नहीं होता, सिस्टम के द्वारा होता, तो इसीलिए आई वॉज बॉर्न लिखते हैं वहाँ पे, आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म किया गया, इसीलिए आप सीधा सेंस में कहते हो मेरा जन्म हुआ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये होता है बॉर्न, ये वाला केस। इसीलिए देखो इसको पैसिव केस में करते हैं, कभी भी एक्टिव केस में नहीं कर सकते, समझ पा रहे कि नहीं पैदा, ये बातें समझ पा रहे ना। यह देखो आई वॉज बॉर्न लिखते हैं, आई बॉर्न नहीं लिखते डायरेक्ट, क्लियर है ना, बातें हो गया। अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना बर्दाश्त करने की बात हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा बी ओ आर ई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बी ओ आर ई बोर, बोर मतलब लिखा हुआ बर्दाश्त करना, पैदा करना, दोनों लिखा हुआ। कहाँ से आया बताओ, ये बियर से आया है, और ये सेकंड फॉर्म वर्ब किसका है, बियर का, दोनों, इसलिए दोनों लिखा हुआ बर्दाश्त करना और जन्म देना। लेकिन जहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखोगे वहाँ पे थोड़ा चेंजेस आता, बदलाव देखो, है ना, सिर्फ एन है यहाँ पे, एन ही है लिखा हुआ बस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले टू टॉलरेट, टॉलरेट मतलब भी क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना, टू और टू प्रोड्यूस मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, या फिर क्या होगा बढ़ाना, बढ़ाना मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, जन्म देना, और बी टू ऑफ बियर होता है, समझ पा रहे, अभी देखो बताए ये बात क्लियर है। इतना से इतना तक मुझे उम्मीद है कोई डॉट नहीं आया होगा पक्का। अब देखो यहाँ पे आता है एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है उत्कर्ष से संबंधित, रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। देखो क्लाइमेक्स मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, समझ पाए, जिसको आप हाई लेवल कहते हो ना उसको कहते हैं ऊंची, छोटी टाइप का इंसान, जब मान लो कोई भी बुलंदी पहुंच जाए तो उसको कहेंगे वर्टेक्स टाइप हो गया। वर्टेक्स मतलब कोई ऊंची समृद्धि लेना, किसी जगह पे मतलब ऊपर उड़ जाना, उसको कहते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब भी वही होता जो टॉप लेवल का हो, जिसको समझ पा रहे, जो हायर पोजीशन का हो, इससे वर्ड आता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स से ही समझ जाना क्लाइमेक्स। यानी क्लाइमेक्टिक का मतलब क्या समझोगे, ऊंचा से संबंधित, ऊंचाई से संबंधित, समझ पा रहे कि नहीं, उसे कहते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब भी क्या होता है बताओ, वही होता है, समझ पा रहे, ऊंचाई से संबंधित, से संबंध, रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स और वर्टेक्स और टॉप, यह क्लाइमेक्टिक का मतलब समझ में आ गया। अब देखो इसी से रिलेट होता है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक और क्लाइमैक्टिक में सिर्फ सी का फ़र्क है, डिफरेंस देखो, सब स्पेलिंग ठीक होगा, सिर्फ सी का फ़र्क है यहाँ पे, है कि नहीं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक होता है आप देखोगे जलवायु, देखते हो जहाँ पे जलवायु संबंधित, मालूम चला आप गए, मौसम बहुत सुहाना परमानेंट वैसे ही रहता है, समझ पा रहे, जहाँ ठंडा है तो ठंडा ही है, समझ पा रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो क्या कहा, तो जलवायु बहुत यहाँ का अच्छा है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये रिलेटिंग टू क्या होगा, क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु से संबंधित होता है, और उसे कहते हैं क्लाइमेटिक, समझ पा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि कोई वर्ड तो छूटा ही, हाँ कोई डॉट है कि सर एग्जांपल के तौर पे कोई सेंटेंस है तो मुझे बता दो, मैं करवा देता हूँ, लेकिन ऐसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं पैसेज करवाऊँगा, ये पैराग्राफ करवाऊँगा, तो ये सब वर्ड वहाँ दिखाई देगा, वहाँ पे और अंडरस्टैंड, ऐसे पूरी कहानी इंग्लिश में लिखी होगी, और वहाँ पे कुछ कुछ वर्ड जैसे दिखाएंगे, वहाँ पे बताएंगे देखो इसका यूज़ ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ पा रहे। उस टाइम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे तब जैसे आप वर्ड वहाँ पे रोक देंगे, हैं वर्ड वहाँ पे रोक देंगे, और वहाँ पे फिर क्या चलेगा, एक पैराग्राफ चलेगा यानी पैसेज चलेगा, और दूसरे तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच तुरंत चलेगा। जैसे यहाँ पे अभी टेंस चल रहा है, समझ पा रहे कि नहीं, पर मॉडल वॉइस और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ लगाम कौन सा है, हाँ ब्राइडल, ये वाला लगाम नहीं सर, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा देखा है, देखो टमटम चलता है पहले, नहीं चलता, आप पहले चलता था, आप देखना टमटम सर्च करना कहीं पे, अच्छा घोड़ा चलता, अच्छा कहीं जगह पे अभी भी देखोगे घोड़ा जिनके पास होता है उनमें देखो घोड़ा में ये नार लगा होता है, जैसे आप नहीं लगा होता है, और उसको देखोगे जैसे मालूम चला आप कैसे ब्रेक मारते हो, ब्रेक मारने का सिस्टम ना गाड़ी में, तो उसी को पकड़ने के लिए उसी को कहते हैं ब्राइडल टाइप, समझा, वो टानने के लिए स्टार्ट होता है कि आप मतलब हॉर्न टाइप का समझोगे, एक तरफ से गियर वाला काम करता है, स्केलेटर वाला, उसको टानेगा तो सेंस समझ जाता मुझे बढ़ना है, और उसको झटका देता तो समझ जाना स्टॉप होना, वो सिस्टम चलता है वैसे, वो मतलब माइंडसेट मतलब नेचर ने वैसे बना रखा है, वैसे चलता है। और कोई डाउट, उसी को कहते हैं ब्राइड, मतलब सीधा सीधा वो पुल और स्टॉप करने के लिए, मतलब खींचने के लिए जो स्टॉप करने या स्टार्ट करने के लिए घोड़े को, जो रस्सी का इस्तेमाल करता ना, घेरा हुआ होता उसको पूरा रस्सी से, उसे कहते हैं ब्राइड, क्लियर है। इसलिए लिखा हुआ हेड गियर ऑफ हॉर्स,
हेड गियर समझते हो आप, सर से जो लगा हुआ गियर है चालू करना और बस स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। जैसे गाड़ी चालू करते हैं बहुत हाई स्पीड पे चलना, तो एक गियर लगाओगे कि तीन चार पाँच गियर तोड़ ही के रखोगे, तीन चार पाँच गियर तोड़ोगे फिर उसके अच्छा दोगे, फिर देखोगे स्पीड भागेगा। मान चलो एक गियर दिए और उसके बाद पूरा एस्केलेटर दे रहा है तो बड़ा आवाज़ तो करेगा ही गाड़ी, ऑटोमेटिक समझना कि गियर कम है तो आप गाड़ी का ये फिर बढ़ाते हो अपना गियर, फिर ऑटोमेटिक आवाज़ कम हो जाती है। उस सिस्टम को समझोगे वही सिस्टम यहाँ भी है ब्राइडल का, ठीक है ना। चलिए और कोई डाउट है, अब यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हेडिंग डालिएगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, क्या है, कहाँ पे संचित करना चाहिए, सूचित करना, इन्फॉर्म, बोलो ये वाला, संदर्भ करना, पर हाँ दोनों पर। एल्यूजन मतलब होता आपका भ्रम, भ्रम का मतलब सीधे सीधे समझोगे डॉट, संदेह हो जाता ना, शक हो जाता कि यार उसके वजह से ऐसा हुआ, तो आपका भ्रम है, एल्यूजन आपका, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, हाँ उसके ऊपर। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से आप कभी कभी देखोगे इंसान बैठे रहता है फोन घुमा देता कि मेरा फलना आदमी गया हुआ है उसका काम कर दो, अब वहाँ तो पहुँचे नहीं लेकिन काम हुआ ना आपके ज़रिए, उस सिस्टम को समझना एल्यूजन। अब उसके ऊपर आप प्राइस मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना, आप किसी को करते हो कि बस जस्ट कमिंग टू यू, ये आपका इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसे वो कहते हैं अप्राइज। अप्राइज मतलब समझना आप इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी को सूचित कर रहे हो। और है आपके चक्कर नहीं रहेंगे तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखो यही स्टार्ट होता है, कौन चक्कर मतलब नहीं समझा, बताओ बताओ, अभी आप नहीं बोलेंगे आपके चक्कर में। अच्छा हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू चलेंगे, आपके अनुसार वहाँ पे होगा, आपके अकॉर्डिंग रहेंगे, आपके अनुसार वो हो जाएगा, मतलब आपके चक्कर में, आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यू है ना, अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार आपके चक्कर में, ये मीनिंग आएगा। और कोई दिक्कत, हाँ अकॉर्डिंग टू यू हो जाएगा मतलब आपके चक्कर में, आपके अनुसार हो जाएगा भाई, ये मीनिंग आएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज से लास्ट स्टेप है उसका, लिखिएगा। हाँ जो सेंटेंस मैंने लिखवाए थे ट्रांसलेट कर लिए होंगे, हैं मिलवा लिए हैं, कोई डॉट है किसी को, हैं नहीं ना, चलो मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, फाइंड एरर करना है कि सेंटेंस सही है कि गलत है। मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम ही वॉन द मैच METCH, मतलब सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर कई बच्चे हैं शुरुआत तो सही लगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहला दफ़ा है, ही वॉन द मैच, उसने मैच जीता है ना, ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा है। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है, पहली बार, पहली दफ़ा, यही तो कहोगे, इसका मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली दफ़ा है या पहली बार है, पहली समय है जो ही वॉन द मैच, उसने क्या किया है, मैच जीता है। अब खुद बताइए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब पीछे जितनी भी रिसेंट बातें हैं उसको छोड़ दिया उसने और अब तक की ये बातें कर रहा है, और जबकि अब तक की बातों के लिए यानी पहले से लेकर अब तक की बातें कर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यानी अब तक की जो बातें हैं पहली दफ़ा हुआ, पिछले से लेकर अब तक यानी पास्ट से लेकर कब तक है, प्रेजेंट टाइप को रिलेट कर रहा है, तो बताओ पास्ट इंडिफरेंट नहीं आता है वहाँ पे, इसके लिए क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज़ उसके बाद क्या लगाएंगे, वन द मैच लिखना पड़ेगा। और यही ध्यान देना है कि जब भी आप देखो, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 लिखते हो आप, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ, इस तरह होता है ना, ऑर्डिनल नंबर उसको कहते हैं। जब भी ऑर्डिनल नंबर लिखे रहे और दा लिखा रहे और उसके बाद टाइम लगा रहे, तो इसके बाद कभी भी कोई भी टेंस आएगा तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और कोई टेंस नहीं हो सकता। क्लियर है, क्यों नहीं हो सकता अभी बताएं, क्योंकि पास्ट से देखो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा है, इसका मतलब पिछले कोई भी ऐसे बार नहीं हुआ कि उसने मैच जीता, इसका फर्स्ट टाइम है, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बातें कर रहा है ना, यानी पास्ट को रिलेट किससे कर रहा है, प्रेजेंट से, तो इसके लिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे, पिछले क्लास आप रिवीजन किए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉट नहीं आया होगा, इसलिए ही के अकॉर्डिंग हैज लगाओगे और वन द मैच लिखेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और वन हटाएंगे नहीं, विन का सेकंड थर्ड फॉर्म वन ही रह जाता, WN। क्लियर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बोर्ड में क्वेश्चन देखो, ये तो एरर की बात है, कभी आप कंपटीशन में जाओगे तो एरर इस तरह से पूछ देगा, लेकिन हो सकता है बोर्ड में जाओगे तो एरर नहीं पूछता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। और क्वेश्चन देखो कैसे देगा, लिखेगा ही
चलो ऐसे करेगा, दिस इज द लिखेगा सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम लिख देगा, दिस इज द सेकंड टाइम, सेकंड टाइम है ना, ही फिल इन द ब्लैंक्स द रेस, रेस मतलब समझते हो दौड़ जिसको आप कहते हो है ना, और लिखेगा वन बी ऑप्शन में विंस, सी ऑप्शन में देगा विल विन, और डी ऑप्शन में देगा हैज़ वन। बताओ किसके साथ जाओगे, मुझे उम्मीद है एकदम आपको हल्का लग रहा हो, बोलो कुछ है ही नहीं सर तुरंत सीख गए, कोई दिक्कत की बात है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन होगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कौन सा ऑप्शन सही है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मैं एक यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब भी आपको द फर्स्ट टाइम लिखा हुआ मिले, क्या मिले द फर्स्ट टाइम, या लिखा हुआ है द उसके बाद क्या लिखा रहेगा सेकंड टाइम, देखो इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में आता है, 1 2 3 जैसे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और यहाँ पे देखोगे टाइम लगा रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे दा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे थर्ड होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ऐसे ही लगता रहेगा, इनके बाद जो भी आएंगे इनके साथ जब भी ये लिखा रहेगा तो इनके साथ आने वाला कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और कोई टेंस नहीं आ सकता, अगर लिखा हुआ है तो ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, समझ पा रहे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये ध्यान रखना है कि ग्रामर में जो भी आता, हाँ हो सकता है आप स्पीकिंग में कह सकते हो ऐसा दिस द फर्स्ट टाइम ही वन द मैच, तो जो ग्रामरियन होते हैं यानी जो ग्रामर पढ़े हैं जो सच में टेंस होगा वो क्या कहेंगे गलत बोला है, वो इंग्लिश सही नहीं, वहाँ पे क्या होना चाहिए हैज़ वन होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का किस्सा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब भी लगाओगे कि इन सभी के बाद क्या लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद बताएंगे, जल्दी से इसको कॉपी करो। इसका हिंदी मतलब समझ में आ जाएगा, अभी दो तीन हिंदी ट्रांसलेशन करवा देते हैं इस पर, पक्का क्या लिखोगे, यह पहली बार है या पहली दफ़ा है, ही हैज़ वन द मैच, उसने मैच जीता, उसने पहली बार मैच जीता, ऐसा लिख भी सकते हो उसने पहली बार मैच जीता, ये मनाइंग आ जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, दिस इज द सेकंड टाइम, या दूसरी दफ़ा है या दूसरी बार है, ही हैज़ वन द रेस, उसने रेस जीता है, रेस मतलब दौड़ जीता है, दूसरी तरफ दौड़ जीता है, सीधा ऐसा भी कह सकते हो आप। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन ना, जब डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो कोई डाउट नहीं कि हाँ सर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए, चौथा ले, आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे और प्राउड होता है कि चलो कुछ तो समझ में आया तभी तो क्वेश्चन किया, समझ पा रहे, अगर है ऐसा तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, समझ पा रहे, अगर डाउट हो तो फालतू क्वेश्चन नहीं इधर को उधर, वो टाइम वेस्ट से बेहतर है, समझ पा, आप अंडरस्टैंडेबल हैं मतलब समझदार हैं है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ पा रहे, क्लियर। आप दो तीन सेंटेंसेस पे देंगे तो बनेगा पक्का, लिखिए उसने तीसरी बार मैच जीता है, क्या बनेगा उसने, हाँ लिख लो जल्दी से, उसने तीसरी बार मैच जीता है, क्या बनेगा जल्दी जल्दी बनाओ, उसने तीसरी बार मैच जीता है, क्या लिखोगे, दिस इज़ द थर्ड टाइम ही हैज़ वन द मैच, होगा ना, दिस इज़ द थर्ड टाइम ही हैज़ वन द मैच, क्लियर, दिक्कत की बात नहीं है। मैंने दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, मैंने दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, क्या बनेगा,
दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नहीं तो बनेगा, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव मेट, M-E-T, मीट का सेकंड फॉर्म होगा मेट, मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब देखो एक और क्वेश्चन दे बाबू, हैं देखो वन टाइम का मतलब क्या होता है, एक बार, टू टाइम्स का मतलब क्या होगा, दो बार होगा ना, थ्री टाइम्स का मतलब क्या होगा, तीन बार। अच्छा ये रिलेट ऑटोमेटिक किससे कर रहा है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम से तो कर रहा है, समझ पा रहे कि बार, यानी ये भी कहीं पे लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंस देगा, और जब ये हिंट्स मिल जाए तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही आपको क्या लगाना, टेंस लगाना है और कोई नहीं लगाना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, है ना, इस पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा था उस पर करवा देता हूँ, इस पर ध्यान देने की बात है। देखिए ऐसे मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन चलो, तो आप देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आई फिल इन द ब्लैंक्स, द क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम द टीचर कर लेता हूँ, फ्रॉम द टीचर टू टाइम्स का मतलब क्या होगा, दो बार, है ना। अब ऑप्शन में देगा क्वेश्चन, ये नंबर वन कर लेना, नंबर टू कर लेना, ठीक है ना। फिर लिखेगा पहला आस्क्ड, देखो बहुत दिबली बात है, जो बच्चा सिर्फ बेसिक पढ़ा रहेगा उससे बढ़ने की बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन बनेगा, देखेगा देखो ये ऐसे लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, सेंटेंस तो सही लगेगा कि सही है, लेकिन दूसरा लिखेंगे है ना इज, उसके बाद लिखेंगे आस्किंग, इज आस्किंग, देखो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया, समझ पा रहे, लगेगा कि बेसिक पढ़ेंगे भी सही है। सी ऑप्शन में हो सकता है मैं लिख दूँ हैज़, उसके बाद लिखें आस्क्ड, और डी ऑप्शन में लिखें, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, और बच्चा को लगेगा जो बच्चा बेसिक पढ़ा है सब मार के चलाएगा कि सब सही हो रहा है, आप बच्चा फंसेगा कि नहीं। यहाँ पे टू टाइम्स के बाद है दो दफ़ा, यानी पास से लेकर अब तक मैंने दो बार किया है ये काम, है ना, पूछा है अभी भी मतलब उसका जवाब नहीं मिला, ये मतलब कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, है ना, कि आई फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर, सर मैंने क्वेश्चन पूछा भाई, किससे पूछा भाई, शिक्षक से पूछा है, ठीक है ना, कितना बार, दो टाइम पूछा है, फिर भी उसका शायद जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से पास्ट से लेकर प्रेजेंट टाइप की बात करो, दो मरतबा मैंने क्वेश्चन पूछा है, होगा कि नहीं होगा, तो बताओ जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट टाइम की रिलेशन बता दो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, जो डी के साथ जाएंगे गलत हो जाएगा, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इस पे एरर इस तरह से पूछता है और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, आपका बोर्ड इस तरह से पूछेगा, अगर बोर्ड छोड़कर किसी कंपटीशन में जाओगे, NDA वगैरह में चले जाओ, या हो सकता है SSC वगैरह में चले जाओ, तो हो सकता है ये ना पूछ के यहाँ चला जाएगा, समझ पा रही, ये पूरा ऐसे इंग्लिश का लिखा हुआ एक मतलब पैराग्राफ देगा, उसमें कहेगा फाइंड द एरर, समझ पा रहे, एरर पकड़े, एरर मतलब गलती पकड़ो, मिस्टेक कहाँ पे, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन उतार लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, है कोई डाउट जल्दी से करो, क्वेश्चन जल्दी से उतार लो, हो सकता है टाइम्स के ऊपर ही पूछ दें, टू टाइम थ्री टाइम्स फोर टाइम्स। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा यूज ऑफ पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, यूज ऑफ पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, यहाँ तक आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, आपके लिए ख़त्म हो गया, फिर भी कुछ बातें हैं, चलो और करवा दो क्या, दो तीन बात है इसमें और बाकी रह गई, चलो करवा देता हूँ, फिर आप लोग फिर कहोगे कि छोड़ दिए, चलो एक और कॉन्सेप्ट इसको हटा देते हैं, है ना, चलिए हेडिंग डालिएगा, अभी जितना भी होगा आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3-4 जो भी होगा कर लेना 5। अब देखिए मैं लिखता हूँ आई हैव अ कार, सुनिए इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास एक कार है, यही तो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका नेगेटिव बनाने आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर केस है, सब्जेक्ट के बाद प्लुरल फॉर्म वर्ब है, तो आप इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, आई डू नॉट हैव अ कार, डू आई नॉट हैव अ कार, होगा कि नहीं होगा, ये सब आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव से बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, ये सब पढ़ाया हुआ है यूज़ ऑफ टू हैव वर्ड में, मुझे आगे चल के पढ़ना है ये, देखो हैव का मतलब सिर्फ रखना के केस नहीं होता, हैव का मतलब क्या होता है, खाना के केस में भी होता है, याद करो आपको बताए थे, ईट का भी सेंस देता है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव माई लंच ऑन टाइम, इसका मतलब क्या होगा बताओ,
मैं अपना लंच, लंच मतलब जो खाना है समय पर कर लेता हूँ, समय या ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हैव का मतलब क्या होता है बताओ, खाने का सेंस दे रहा है, यहाँ पे रखने का सेंस मत समझ जाना। ओके, वो लंच रखने का चीज़ नहीं, रखोगे तो समझोगे दो तीन दिन में का, दो चार घंटे में कैसा कैसा रंग रूप बदल जाता है, ख़राब हो जाते, तो वहाँ पे खाने का सेंस दे रहा, समझ पा रही कि नहीं पा रही। अब आओ देखो, आपको देखो एक आप बहुत पहले भी बताए थे, क्योंकि हैव जो होता है वो बेस फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज़ होता है, याद करो, बातें समझ पा रहे हैं। इसका बताओ, ये होता है फिफ्थ फॉर्म वर्ब, जिसको सिंगुलर फॉर्म वर्ब बोलते हैं, क्लियर। इसका सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब जिसको आप, तो चलो ये तो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद जो फोर्थ फॉर्म वर्ब बनता है जिसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हो, उसको क्या बोलोगे, हैविंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वर्ब में आईएनजी। इसके बाद जिसका थर्ड फॉर्म, ये देखो फिफ्थ से फर्स्ट फॉर्म होते हैं, यानी फिफ्थ से लेके फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद क्या आएगा, थर्ड। तो थर्ड में इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है हैड बनता है, इसका सेकंड फॉर्म वर्ब भी क्या होता है, हैड ही होता है, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है जिसको आप क्या कहते हो, हैव होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसको क्या कहोगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको क्या कहोगे, सेकंड फॉर्म वर्ब, इसको क्या कहोगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, ये फोर्थ फॉर्म वर्ब है, ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म वर्ब। इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब को दूसरा नाम क्या है, प्लुरल फॉर्म वर्ब। सेकंड फॉर्म वर्ब को आप पास्ट फॉर्म वर्ब कहते हो, थर्ड फॉर्म वर्ब को परफेक्ट फॉर्म वर्ब कहते हो, और फोर्थ फॉर्म वर्ब को कंटीन्यूअस फॉर्म वर्ब कहते हो, और फिफ्थ फॉर्म वर्ब को आप क्या कहते हो, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। मुझे उम्मीद है कि पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, मुझे आज ये बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कैसे यूज होता है। देखो मैं कहूँ, मैंने अपना मतलब अपना लंच, मेरा अपना जो लंच है मैंने समय पे कर लिया, मुझे अब करने की जरूरत नहीं, मुझे कर लिया, तब इसका बताओ आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाओगे। आई हैव तो होगा बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, समझ पा रहे। और खाने के केस में क्या होता है, हैव ही होता है, तो हैव का बताओ ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव है, और इसके बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म वर्ब वी थ्री, तो हैव का जो थर्ड फॉर्म वर्ब बनेगा इसका, हैव जो मेन वर्ब में है उसको क्या बनाओगे, हैड बनाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो आई हैव हैड माई लंच हो जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा, ऑन टाइम। इसका मतलब क्या होगा, मैंने अपना, ये भी सही है और ये भी सही, लेकिन मीनिंग चेंजेस है, मीनिंग में बदलाव है। देखो आई हैव हैड माई लंच ऑन टाइम, मैंने अपने समय पे मतलब लंच कर लिया है, मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, हैबिट की बात कर रहा, यहाँ पे क्या बात कर रहा, हैबिट की, हैबिट मतलब उसको आदत है, समय पे मैं लंच कर लेता हूँ, समझ पा रहे, जैसे टाइम होता है। और यहाँ पे क्या होगा, काम एक्शन क्या है, एक्शन कंप्लीटेड है, समझ पा रहे कि नहीं पा, एक्शन क्या है, कंप्लीटेड है, समझ पा रहे। रिलेट किससे कर रहा है, प्रेजेंट से कर रहा। अब कोई बच्चे सोचते हैं कि हैव के बाद हैड कैसे आ गया, तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और किसका है, और हैव का ही है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर ना। देखो हैव के साथ हैड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन बातों को ध्यान से उतार लेना कि हैव का मतलब अलग अलग होता है, वो बातें सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्लियर है। हाँ, बेशरम लोग जो होते हैं ना, शेमलेस उसको कहते हैं। तुम हो, पूछ ले रहे हो, हेडिंग डाल लेना, कल हम लोग पास्ट एंड डिफरेंट, चलो कल ही पढ़ेंगे, आज टाइम भी हो गया लगभग, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि कल आपका पास्ट एंड डिफरेंट, आज ही टारगेट था लेकिन नहीं हो पाया, चलो कल पास्ट एंड डिफरेंट से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।